पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी से बगावत का दौर और बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वो मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। वहीं दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल की राजनीति में जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। देखिए, बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और बाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत। तृणमूल कांग्रेस सांसद पिछले काफी समय से पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में इस्तीफे के दौरान बंगाल में राजनीतिक हिंसा से खुद को दुखी बताया। दिनेश त्रिवेदी तृणमूल के काफी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उनके इस्तीफे से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।